गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, इस टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल की डेफिनेशन पूछते हैं, वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछते हैं तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो नॉन मेटल्स किसको कहते हैं, देखिए दोस्तों, मटेरियल्स विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। तो जनरली जो मटेरियल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से आसानी से फ्लो नहीं करती, ठीक है, उन मटेरियल्स को जनरली हम नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये ब्रिटल क्या होता है, नॉन लस्ट्रस क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है नॉन मेटल्स की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिजिकल स्टेट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं नॉन मेटल्स की, जिसमें से पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। यहाँ पर टाइटल देता हूँ मैं, देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कि वो जो मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है दोस्तों। तो जनरली दोस्तों जो नॉन मेटल्स है ना, वो सारे जो है वो सॉलिड में भी दिखने को मिलेंगे आपको, लिक्विड में भी देखने को मिलेंगे और गैस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आपको लिक्विड में भी दिखेंगे, सॉलिड स्टेट में भी दिखेंगे, कुछ गैसी स्टेट में भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिक्विड स्टेट में आपको कौन सा नॉन मेटल दिख रहा है, देखिए नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में आपको कौन सा दिख रहा है, लिक्विड स्टेट में आपको ब्रोमीन, ठीक है, एक ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड होता है दोस्तों, ठीक है, ओके, वो नॉन मेटल है। तो ये लिक्विड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल्स आपको दिखेंगे दोस्तों, सॉलिड स्टेट में आपको दिखिए कार्बन दिखेगा, ठीक है, सल्फर दिखेगा और फिर फॉस्फरस दिखेगा, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल्स की यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखना भूल गया दोस्तों, अगर नॉन मेटल्स के एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखने हैं तो वो आप लिख सकते हो ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ओके। तो नॉन मेटल्स में देखिए दोस्तों गैसी स्टेट में आपको कौन कौन से नॉन मेटल्स दिखेंगे, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ओके। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिखने हैं तो ये सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो नॉन मेटल है उनकी हम यहाँ पर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो लस्टर का मतलब पता है दोस्तों आपको, इट इज़ एबिलिटी टू शाइन, ठीक है, ओके। तो लस्टर आपको पता है ना कि अगर कोई चमक रहा है तो उसके अंदर लस्टर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल्स जो हैं दोस्तों जो है ना, नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं जनरली, मतलब उनके अंदर चमक नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों यहाँ पर देखिए लस्टर, ठीक है। तो ये लस्टर की डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पर जनरली ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, मतलब ये जनरली चमकते नहीं है नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस क्या है कि डायमंड दोस्तों एक नॉन मेटल है और ये चमकता है, इसके पास लस्टर है। वैसे ही दोस्तों आयोडीन नाम का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये आयोडीन भी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नॉन मेटल है और ये भी चमकता है, ठीक है, ओके। तो इन दोनों के पास दोस्तों लस्टर है। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे दोस्तों, आपको लस्टर, नॉन मेटल के पास लस्टर होता है कि नहीं होता है, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जनरली ऑल नॉन मेटल्स आर, ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। और अगर एक्सेप्शंस पूछते हैं वो, तो आपको लिखना है यहाँ पर डायमंड, आयोडीन, ठीक है, ओके। इस कंसेप्ट के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इसके लिए आप एक्सरसाइज को थोड़ा रिफर करिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस दोस्तों मेटल के केस में हमने नहीं पढ़ा था ब्रिटलनेस, यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रिटलनेस क्या होता है देखिए,
तो दोस्तों ये ब्रिटलनेस क्या होता है, देखिए इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, मतलब उस मटेरियल पर जब आप हथौड़ा चलाओगे ना तो वो कुछ पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, जैसे कांच ब्रेक होती है ना वैसे, ठीक है, उसको ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब आप उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो वो जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो उसके अंदर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है, ऐसे आप बोल सकते हो। और जनरली सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो जनरली सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब उसके ऊपर अगर आप हथौड़ा मारोगे तो वो क्या होंगे दोस्तों, उसके पीसेस मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्बन, ठीक है, फिर दोस्तों कार्बन के बाद सल्फर, फॉस्फरस, सल्फर, ये सारे के सारे जो हैं नॉन मेटल्स हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स, और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर आप हथौड़ा चलाओगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी एंड मेलियबिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है आपको पता है, मेलियबिलिटी क्या होती है आपको पता है। डक्टिलिटी मतलब क्या कि अगर मटेरियल की वायर बना सकते हो तो वो डक्टाइल है, अगर मटेरियल की शीट बना सकते हो, आप पतरा बना सकते हो, ठीक है, तो जो है वो मिलियेबल है, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं जनरली दोस्तों ये ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही मिलियेबल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल से ना ही आप यहाँ पर वायर बना सकते हो ना ही आप उसके उसका यूज़ करके शीट बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं दोस्तों ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से पास नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक अपवाद है। ठीक है, ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है दोस्तों जिसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट आराम से पास होती है। ठीक है, ओके, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ग्राफाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी आराम से इसके अंदर से पास होती है। ग्राफाइट मतलब जो पेंसिल से आप लिखते हो ना, तो पेंसिल की जो ये नीब होती है ना पेंसिल की, ठीक है, तो वो ग्राफाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, वो मटेरियल है, तो उसके अंदर से दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब हमें पता है, डेंसिटी मतलब होता है हेवीनेस। ठीक है, ओके, तो जनरली मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो हेवी होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली लो डेंसिटी होती है, मतलब ये इतनी हेवी नहीं होती है, लाइट होते हैं ये। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे कि मेटल्स में हम क्या पढ़े थे दोस्तों, मेटल्स में हमने देखा था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, नॉन मेटल्स का क्या होता है दोस्तों, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि देखिए यहाँ पर कार्बन और बोरॉन जो है ये नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और बोरॉन ये नॉन मेटल्स हैं, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं दोस्तों आपको, तो एग्जाम्पल्स पूछेंगे और डेफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन आप याद करिए। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है देखिए क्या है, मेटालॉइड्स। लास्ट नाम है दोस्तों यहाँ पर मेटालॉइड्स। जैसे कि देखा था हमने दोस्तों जो एलिमेंट्स है उसको हमने कैसे क्लासीफाई किया था, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, एलिमेंट्स को हमने देखिए यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड ऐसे क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, मेटल के एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल्स भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात रही यहाँ पर मेटालॉइड, तो मेटालॉइड क्या होते हैं दोस्तों, जो आधे मेटल होते हैं और आधे नॉन मेटल होते हैं उनको मेटालॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेमी मेटल्स होते हैं। ओके, मेटालॉइड मतलब आधा मेटल होता है और आधा नॉन मेटल होता है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जो इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स की और नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उन मटेरियल्स को मेटालॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है दोस्तों, द मटेरियल्स विच हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटालॉइड्स, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ओके, तो मेटालॉइड का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको याद करनी है, कोई भी दो मेटालॉइड्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो नाम आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ये दो मेटालॉइड्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी भी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मेटालॉइड्स हैं, लेकिन ये दो नाम अगर आपके ध्यान में नहीं रह रहे हैं तो एटलीस्ट आप सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो नाम आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर का पहला वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। ओके,
अब दोस्तों दूसरा वाला पार्ट जो है जिसके अंदर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज के अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी तक जब जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट द टेबल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर यूज इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर इनका क्या यूज़ है, इस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है वो लिखना है। तो डक्टिलिटी का यूज़ क्या है, डक्टिलिटी का यूज़ है वायर हम बना सकते हैं, ठीक है, वायर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और केबल बना सकते हैं, ठीक है। वायर का यूज़ क्या है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। केबल मतलब गाड़ी की जो केबल होती है, ब्रेक केबल, क्लच केबल, ठीक है, एक्सेलरेटर की केबल होती है, वहाँ पे इसका यूज़ है। मेलियबिलिटी का यूज़ क्या है दोस्तों, देखिए मेलियबिलिटी का यूज़ है कि हम घर में के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। फिर रूफ़ बनाने के काम आता है, छप्पर बनाने के काम आता है, ठीक है, ओके। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ कहाँ पे, यूटेंसिल्स का यूज़ है, ठीक है, यूटेंसिल्स, ठीक है, ऐसे यूटेंसिल्स चाहिए जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ क्या है एवरीडे लाइफ में, वायर्स बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब क्या है कि बेल जो होती है स्कूल में आपके, जो बेल होती है, ठीक है, वो बेल बनाने के लिए ये सोनोरिटी का यूज़ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म, मतलब यहाँ पे आपको क्या करनी है, ऑड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और डायमंड। जैसे कि हमें पता है दोस्तों गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो डायमंड क्या है दोस्तों, डायमंड एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए ये डायमंड को आप ऑड टर्म आप इसको निकाल सकते हो बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सोनोरिटी, मेलियबिलिटी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमें पता दोस्तों देखिए डक्टिलिटी जो है मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, मेलियबिलिटी मेटल के पास होती है, सोनोरिटी भी होती है मेटल के पास, लेकिन ब्रिटलनेस जो है वो मेटल के पास नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर गोल्ड कॉपर आप लोगे, ठीक है, या उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो वो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फरस। तो ये कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फरस ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कार्बन सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, फॉस्फरस सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन ब्रोमीन जो है दोस्तों ये लिक्विड में होता है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑटम ये ब्रोमीन निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये जो है ये एक्चुअली पिछले चैप्टर में पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर में पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन देखिए इसका आंसर अगर आपको पता चलेगा तो आपको आसान लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ब्रास, ये ब्रास एक मिक्सचर है, ब्रॉन्ज भी एक मिक्सचर है, स्टील भी एक मिक्सचर है, लेकिन दोस्तों ये आयरन जो है ना, ये आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के कंसेप्ट के ऊपर का क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में पूछना चाहिए था, ठीक है। स्टील एक मिक्सचर है, ब्रॉन्ज एक मिक्सचर है, ब्रास एक मिक्सचर है, लेकिन आयरन दोस्तों एक एलिमेंट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।